अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बाजू में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, मौसम चाहे जो भी हो, सूरज से मिलने वाली धूप का हमारी सेहत पर बहुत ही खास असर होता है। वहीं ठंड में इसका असर और बढ़ जाता है, क्योंकि कपकपी वाले इस मौसम में इससे शरीर को जहां अच्छी खासी गर्माहट मिलती है, वहीं इससे शरीर को ढेरों फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं सर्दियों में धूप के नीचे बैठने से शरीर को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा शरीर को धूप से ये मिलता है कि इससे शरीर को विटामिन डी हासिल होता है, जो शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप रोजाना कुछ देर धूप में बैठते हैं तो इससे आपको नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा सर्दियों में सर्दी जुकाम से बचने के लिए भी धूप में बैठना काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, जिससे सर्दी और खांसी जैसी परेशानियां करीब नहीं आती। इसी तरह सूरज की किरणें शरीर का कैंसर से भी बचाव करती हैं। इसके अलावा ये और भी दूसरी तरह के रोगों की चपेट में आने से भी रोकती है। इसके अलावा धूप कई तरह के मानसिक तनाव जैसे डिप्रेशन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ जैसी परेशानियों से बचाकर रखती है। इसी तरह रोजाना धूप लेने से नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि धूप सेकने का सीधा असर शरीर के पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है। ये शरीर में मौजूद एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारी नींद की क्वालिटी तय करता है और हमें डिप्रेशन से दूर रखने में मदद करता है। इसके अलावा धूप सेकना फंगल प्रॉब्लम, एक्जिमा, सोराइसिस जैसी स्किन से जुड़ी बीमारियों से भी बचा कर रखता है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी धूप में बैठना काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि धूप बीपी को नॉर्मल लेवल में रखने में काफ़ी मददगार होती है। अब अगर बात की जाए कि धूप लेने का सबसे सही समय कौन सा होता है और हफ्ते में कितने दिन धूप लेना ज़रूरी होता है, तो दोस्तों, शरीर के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार सुबह 8 से 10 के बीच और ढलती दोपहर 4 से 5:30 बजे की धूप बहुत फायदेमंद होती है। वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए शाम 4 से 5:30 बजे का समय धूप सेकने के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हर कोई इन घरेलू नुस्खों से फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बाजू में बनी घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।